हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त नीरज, और उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए डेली निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी पे अपनी एनालिसिस मैं आप लोग को देता हूँ। आप लोग भी अपने लेवल वहाँ पे फाइंड आउट करें, उससे मैच करें, और आपको सपोर्टिंग वहाँ पे लेवल आपको मिल जाएंगे मेरे थ्रू। तो देखिए, आप जब भी मेरी किसी को भी बाइंग या सेलिंग की वहाँ पे सलाह नहीं रहती। कभी भी मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप वहाँ पे ले ही लो। आप लेवल मिलाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करो। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप उनके डिस्कशन से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप अपने भी लेवल मैच करें, आप देखें कि जो लेवल सर ने निकाले हैं, हो सकता है वो मेरे लेवल सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो देखिए, जो भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को फुली एजुकेशनल पर्पस से और मोटिवेशनल पर्पस से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग देखें, सीखें और उस लेवल को मैच करें। कितने काम करते हैं ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके सर आपके इतने लेवल ने काम करें और हमने यहाँ पे अपने जो भी एडवाइजरी से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से यहाँ पे एडवाइस लेके मैंने वहाँ पे पोजीशन बनाई और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। कुछ आप लोग भी उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपके लेवल कितने हद तक हमारे लिए यूज़फुल साबित हो रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज है 25th of December 2019, और अभी रात के 9:14 हो रहे हैं, 9:14 PM। और जो जो बंदे हैं, जिन जो जो वीडियो अभी लाइव देख रहे हैं, मैं जिस जिसको अभी अपलोड कर दूंगा जस्ट, उसके बाद जो भी बंदे इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से हमारा, देखिए, भारत देश है, त्यौहारों का देश है, तो यहाँ कुछ ना कुछ बने रहते हैं त्यौहार। तो बहुत विविधता में एकता है यहाँ पे, तो अच्छी बात है गाइस। हम कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, माइंड हमारा कहीं चले जाता है। कभी क्रिसमस आएगा, कभी न्यू ईयर आएगा, कभी नवरात्रि आएगी, फिर से कभी एक और नवरात्रि आएगी, फिर गणेश चतुर्थी आएगी। इतने सारे त्यौहार हैं कि हम इंजॉयफुल रहते हैं अपने इंडिया में, और हमें गर्व है कि हम इंडियंस हैं। तो चलिए, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो चलिए, आप लोगों को भी प्राउड होना चाहिए, और इतने अच्छे देश में आप बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे एक हमारे बहुत ही ऑनेस्ट पीएम हैं। और देखिए, आज वो देश को बहुत किस दिशा में ले जा रहे हैं, तो मतलब किस दिशा में ले जा रहे हैं, मतलब देखिए, मैं कहूँगा अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें वो थोड़ी सी नेगेटिव उनकी जो है वो हमारे शेयर, देखिए, मैं शेयर ट्रेडिंग का जो भी है रिलेटेड हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि भाई वो इस मार्केट के लिए भी कुछ करें, है ना। जो सेक्टर हमारे डाउन चल रहे हैं उसके लिए कुछ उनको सोचना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, और काफ़ी हद तक वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो जिस दिन वो हमारे लिए स्पेशली शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए कुछ बहुत ही बड़ा लेके आएंगे, उस दिन तो फिर हमारी बात ही निराली होगी। तो यही हमारा देश है गाइस, तो इस देश में हम रहते हैं और हमें बहुत प्राउड है। आप सभी को मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में इस टाइप के वीडियो मैं लाते रहता हूं, तो देखें, सीखें, और मेरा एजुकेशनल और मोटिवेशनल पर्पस से। और आप सभी को बता दूं कि मेरी 28th of December 2019 यानी 2 या 3 दिन बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर है। और उसमें मैं आप लोगों को अपने लेवल्स वगैरह, जहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी, तो मेरी जो भी स्ट्रेटजी है वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं ऐसे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग भी मेरे लेवल के हिसाब से वर्क कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। तो जो भी बंदे क्लास ज्वाइन करके सीखना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी मुझे फ़ोन कॉल करके अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं, 2 या 3 दिन शेष हैं। आज 25th, 26th, 27th, 28th से तो क्लास स्टार्ट हैं, 2 दिन और हैं आपके पास। तो जो भी बंदे आना चाहते हैं क्लास में, मुझे फ़ोन कॉल करके अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं, या व्हाट्सएप पे डिटेल आप ले सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों के लिए जो निफ्टी 50 के लेवल निकाल के लाया हूँ, तो निफ्टी 50 पे गाइस देखिए, हमारे जो लेवल्स हमने निकाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ये कैंडल को देखते हुए, जो वनडे की कैंडल फॉर्म हुई है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये 1 आवर्स का चार्ट मैंने लगाया है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, तो निफ्टी 50 एक्चुअली है अप ट्रेंड में गाइस।
तो यहाँ से ये कुछ करेक्शन वगैरह आया हुआ है। और कल का दिन देखिए एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी भी है कल 26th ऑफ दिसंबर को, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी है, वीकली तो हो चुकी है गुरुवार को। तो देखिए मंथली एक्सपायरी है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि काफ़ी वोलेटाइल रहेगा मार्केट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको यहाँ देखने को जो इतने दिन से नहीं मिली है। तो मुझे काफ़ी हद तक कल बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट से, या तो ये मूवमेंट आपको डाउन साइड पर देखने मिल सकती है या अप साइड पर मिल सकती है। तो डाउन साइड पर अगर देखने मिली तो फिर देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है, और अप साइड में मिली तो बहुत ज़्यादा शायद ना मिल पाए, क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल हैं वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है। जो भी हायर हाई बनाते जा रहा है, जो नए हाई क्रिएट कर रहा था, वहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। और क्यों लगा है, क्योंकि देखिए आप ये जो कैंडल अभी इसने फॉर्म करी हुई है, इसने कैंडल जो फॉर्म करी है तो ये देखिए फुली जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म करी है निफ्टी 50 ने। तो यहाँ से देखिए ये जो कैंडल का सिग्नल है, यहाँ से बेरिश सिग्नल हमें मिल रहा है, लेकिन गायज हम आँख बंद करके भी यहाँ से शॉर्ट सेलिंग नहीं लगा सकते, उसके लिए हमारे लेबल्स हैं। तो जो लेबल इसमें फर्स्ट आपको मिल जाते हैं, अगर बाय द वे देखिए मार्केट है अप ट्रेंड और कैंडल ने सिग्नल दिया रहा है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो इसके बेसिस पे मैंने लेबल निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए 12,190 के बिलो अगर ये जाके ट्रेड करने लगता है सुबह के सेशन में, और यहाँ से कंटिन्यू अगर नीचे की ओर रहता है गैस, ठीक है 26th ऑफ दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी वोलेटाइल रहेगा कल का मार्केट, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट है मार्केट से, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए 12,190 के बिलो जाके अगर ये ट्रेड करता है तो फिर हमें यहाँ पे डाउन साइड की मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। 12,270 फर्स्ट हमारा टारगेट है, देखिए हमने टारगेट छोटा रखा है, फर्स्ट टारगेट छोटा रखा है क्योंकि 190 के बिलो जाएगा तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट रखा है हमने। और सेकंड जो है टारगेट, अगर यहाँ से भी मूवमेंट अगर डाउन साइड की रहती है तो 12,240 तक जाने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट के, सॉरी 12,190 के बिलो गया तो 12,140 तक के टारगेट आपको दिखाएगा, इसके बाद 12,000 एंड करीब करीब मान के चलिए 150 के बिलो जाके ट्रेड करने लगे और यहाँ से कंटिन्यूशन में रहे तो 140 के बिलो आप यहाँ से करीब करीब 25 से 30 पॉइंट की और मूवमेंट यहाँ से देख सकते हैं। तो 12,120 तक के टारगेट के लिए मैं बोलूँगा आपको, बहुत ज़्यादा टारगेट मैं नहीं दूंगा क्योंकि देखिए हो सकता है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहा तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस के थ्रू जा सकते हैं उसको लेके, लेकिन क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है इसलिए हम थोड़ा सा नीचे का यहाँ पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं गैस, ठीक है। तो मेरे लेबल्स हैं 12,000 एंड जैसे भी 190 को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ से पहला टारगेट हमारा 12,170 एंड 12,150 एंड 140 तक आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 140 से कुछ देखिए यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, क्योंकि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद वो ऊपर भागने की कोशिश करता है। तो मैं यही बोलूँगा जो भी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते हुए जाएंगे 25 से 30 पॉइंट का अगर आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे टाइट रख के, अगर मार्केट डाउन मूवमेंट देता है तो फिर ये नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अगर 1250 को सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाता है तो फिर देखिए यहाँ से फिर अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है कुछ। तो देखिए यहाँ से अगर बाय द वे ये नीचे नहीं जाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हमने एक लेवल ये क्रिएट किया है 12,240 का लेवल है। तो देखिए जो भी बंदे यहाँ पे अगर बाइंग साइड पे जाना चाहेंगे तो आप लेबल वगैरह फाइंड आउट करेंगे, 12,240 के एबो जाएगा तब हम यहाँ पे बाइंग की सोच सकते हैं एक बार। तो 240 के एबो गया तो फिर हमारा अगला टारगेट 12,270 30 पॉइंट्स का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस निकाल लेता है तो 12,000
300 के टारगेट हमें कल के सेशन में दिखा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ये अप मूवमेंट भी आ सकती है। तो अगर ये 3000 से रिवर्स नहीं होता है तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को 12290 के आसपास रख के, जब ये 12300 के एबो जाएगा 12290 का आप स्टॉप लॉस रख के आप इसमें ऊपर के लिए लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, कंटिन्यू बने रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 12350 तक के लेवल आपको कल के सेशन में भी दिखा सकता है, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनने की वजह से हमें डाउन साइड का भी सोचना पड़ रहा है। तो लेकिन डाउन साइड पे देखिए 150-140 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो इस सपोर्ट को तोड़े इतना आसान भी नहीं है। 150 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो हो सकता है ये 140 तक जाए, और फिर 140 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर तो मत पूछिए, यहाँ से कुछ आपको मूवमेंट अच्छी खासी मिल सकती है। तो आप ये लेवल ध्यान में रखें गाइस, जो भी मैं बताया हूँ, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के या अपने कंसल्टेंट्स जो भी आपके कंसल्टेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। अगेन वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइस निफ्टी, बैंक निफ्टी पे देखें थोड़ा सा, इसमें भी हमने लेवल फाइंड आउट किया है, और मैंने आपको जैसे बोला कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अपने हाई को ये ब्रेक करता है और करीब 50 से 60 पॉइंट उस हाई लेवल के ऊपर जाता है और वहाँ से फिर रिवर्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए हम कोई थोड़ी सी श्योरिटी नहीं मिल पाती कि क्या लेवल यहाँ पे करें, क्योंकि अपसाइड के लेवल थोड़े से निकाल पाना मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जैसा बैंक निफ्टी की बात करें ये भी 40-50 या 100 पॉइंट ऊपर जाता है फिर वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलर्ट होके आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो देखिए बैंक निफ्टी पे हमने क्या करना है गाइस, 32000 मैंने लेवल निकाला है, इसमें तो आप सीधे सीधे 32390 या 400 के ऊपर ही से जाके ट्रेड करने दीजिए। आधे घंटे अगर ये रुकता है तो वहाँ से कुछ अप ट्रेंड के सिग्नल आपको मिलेंगे, तो वहाँ से कुछ अप ट्रेंड मिलेगा आपको, तो 32400 के अबो जाके इसे ट्रेड करने दीजिए। वहाँ से हम 100 पॉइंट की मूवमेंट के लिए इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं 100, और उसके बाद फिर आपका जो भी प्रॉफिट है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू आप वहाँ से आप लेके जा सकते हैं। तो इसमें यही चाहूँगा मैं 32390 या 400 के वो जाके अगर ये ट्रेड करता है हाफ एन आवर्स, तो अगर वहाँ रुकता है और अप ट्रेंड रहता है मार्केट, निफ्टी भी अप ट्रेंड रहता है, क्योंकि कल देखिए एक्सपायरी का दिन है और मंथली एक्सपायरी है, तो वोलेटाइल तो रहेगा, लेकिन कहाँ से वोलेटाइल का आपको फ़ायदा उठाना है, कहाँ से इसकी वोलेटिलिटी बढ़ती है घटती है। अगर घटेगी तो देखिए डाउन साइड पर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएंगे, और बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद तो नहीं है ऐसी कि बहुत ज़्यादा अप टारगेट दे सकते हैं ये, लेकिन देखिए हमें पता नहीं है इसलिए हम अनुमानित तौर पे काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए 32400 के आसपास हम अगर एक अप ट्रेंड में पोजीशन क्रिएट करते हैं तो 32500 के लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और फिर हमारा अगर 32500 30 या 40 पे चलने लगा तो हमारा टारगेट जो है 32480 के आसपास हम लाके रख देंगे, ताकि भाई जो भी है हमारा रेट टू रेट रहे और बहुत ज़्यादा लॉस ना जाए इसमें। तो इसमें यही है कि आप जो मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हैं, हो सकता है वहाँ से अप मूवमेंट आया तो ये 600 के टारगेट भी दिखा दे कल के सेशन में। तो आपके जो भी प्रॉफिट है 500 के एबो के, तो 500 के एबो जाता है तो 480 पे आप ले आए, फिर उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की ओर करते जाए, मैक्सिमम बेनिफिट निकालने की कोशिश करें। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि बैंक निफ्टी पे आपको 100 पॉइंट्स के टारगेट रखने हैं, और निफ्टी 50 पे आपको एटलीस्ट 25-30 पॉइंट्स के टारगेट रखने हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी आज की डेट में जो मार्केट की कंडीशन है उसमें आप नहीं कर सकते हैं। तो यहां से देखिए आपको अनुमानित तौर पे काम करना पड़ेगा कि क्या ब्रेकआउट आ रहे हैं, कैसे भी आपको वर्क करना है। और जो भी बंदे है देखिए इसमें आपको लेवल मैं निकालना सिखाता हूँ, मेरी ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट हो रही है 28th of December 2019 से, और जो भी बंदे अगर मेरी ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करके लेवल वगैरह कैसे निकालते हैं सब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो गैस दो दिन ही शेष बचे हैं, 2 days लेफ्ट, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे फ़ोन कॉल करके या अपना नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिए फ़ोन कॉल करें, या फिर व्हाट्सएप पे डिटेल आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा।
और जिनको भी 5paisa पे या जीरोधा पे अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक प्रोवाइड करे हैं मैंने, तो वहाँ से जाके आप 5paisa या जीरोधा पे बहुत इजी वे में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारे जो अपसाइड के लेवल हैं इसमें बैंक निफ्टी पे 32,390 के, वो जाके अगर ये ट्रेड करता है, रुकता है आधे घंटे 45 मिनट तो वहाँ से 100 पॉइंट्स के टारगेट, और फिर ऊपर जाता है तो 480 पे टारगेट हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और 480 से जब ये 550 या 580 क्रॉस करता है तो 530 या 540 पे स्टॉप लॉस करिए। तो करीब करीब 50-60 पॉइंट का डिफरेंस रखिए अपने जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर। अगर वहाँ से मूवमेंट अपसाइड किया तो वो नीचे वहाँ नहीं आएगा, और अगर आ गया आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गया तो फिर वहाँ से और ज़्यादा डाउनफॉल आने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस के बगैर इंट्राडे ट्रेडिंग कोई भी बिगनर्स या जो भी बंदे काफ़ी समय से कर रहे हैं बिल्कुल भी ट्रेड ना करें गाइस। और गाइस इसमें देखिए डाउन साइड के लेवल भी हमने निकाले हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बेरिश भी हुआ था तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखिए जो लेवल निकाले हैं 32,250 का लेवल है। 250 के लेवल के अगर ओपनिंग ही इसके नीचे होती है 240-230 के आसपास, 32,240 या 230 के आसपास ओपनिंग होती है, तो यहाँ से अगर बेरिश ट्रेंड चालू होता है तो इसको आधे घंटे रुकने दीजिए पहले, आप एकदम से मार्केट में कूदेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एकदम मार्केट खुलते साथ एंट्री नहीं लेनी है गैस। तो यहाँ से देखिए 250 के बिलो जाके इसे ट्रेड करने दीजिए, देखिए क्या पोजिशन है, तो आप इसके आसपास यहाँ पर एक पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो भी यहाँ पे डाउन मूवमेंट मिलेगी। तो यहाँ से देखिए मैं ये चाहूँगा कि पहला आपको टारगेट थोड़ा सा कम रखें। आप मान लीजिए आपके पास 3 lots हैं तो आप इसमें 2 lots जो है यहाँ पे 32,200 के आसपास यहाँ पे निकाल दें, क्योंकि यहाँ से देखिए रिवर्स भी होने के चांसेस हैं मार्केट के। 32,200 से अगर रिवर्स नहीं होता है तो फिर यहाँ से देखिए डाउनफॉल आने के चांसेस होंगे, और 32,150 का लेवल फिर से एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, और इसके बाद 32,100 का लेवल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कई सपोर्ट इसको मिलेंगे बार बार, 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बेरिश ट्रेंड रहता है तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट, तो यहाँ से एकदम डाउनफॉल बहुत फास्ट आ सकता है। लेकिन देखिए अगर 32,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक 32,100 के 100 and 120 के टारगेट के लिए आप जाएंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जो है आप फर्स्ट टारगेट पे रख देंगे और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। और इसमें देखिए 32,070 तक जाने के चांसेस हो सकते हैं, तो 32,070 तक मैक्सिमम जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ तक डाउनफॉल आ सकता है बहुत झटके में, और इसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेगा फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंड पे भी चल रहा है, हाई के हाई क्रिएट कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो देखिए गाइस जो भी लेवल आपको मिला है 32,400 के ऊपर बाइंग बनाएं और 32,250 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक करें, स्टॉप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना स्टॉप लॉस के इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को जो भी बंदे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप जरूर कर दें, ताकि जो भी अपडेट वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। तो गाइस कल जो भी लेवल आपको मिलते हैं यहाँ पे आप वर्क करें, और जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग क्लास मेरी 28th December से स्टार्ट हो रही है ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इजी वे में ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे फ़ोन कॉल करके अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं। और जिन भी बंदों को 5paisa या जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें, एक बार जरूर जाएं घूमने जाएं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे और भी कई मैं बिगनर्स के लिए लिंक वगैरह दिया हुआ हूँ, तो आप देखें सीखें यही उम्मीद करता हूँ। इसी उम्मीद के साथ आज की जो मेरी वीडियो है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के व्यू है मैं 26th December के लिए, तो आप लोगों को पसंद आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और आप सभी को मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और देखिए हम साल के अंत में चल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं रहना मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट अभी देखिए नए साल में फिर हम जो भी होगा तो वहाँ डिसाइड करेंगे। अभी जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है इंट्राडे में आप इजी वे में लें और निकलें। तो चलिए गाइस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और क्रिसमस की बधाइयाँ, और इसी उम्मीद के साथ कि कल की ट्रेडिंग आपकी बहुत अच्छी जाए मैं आज के अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ, और कोशिश उम्मीद करता हूँ कि पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाते हुए जाओ, और नए बंदे जो भी हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।